और जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इंक्लूडिंग शाहरुख खान, उसमें करण जौहर और भी कहिए, ठीक है मैं बाकी के नाम अभी नहीं बोल रहा हूं, हाँ दीपिका पादुकोण, ये सबका भी इन्वेस्टिगेशन होने वाला है और उसमें क्या क्या फ्रॉड हुए और क्या क्या और कैसा, वो अभी आप उस पर डिस्कशन करते हैं। खेल जो है सर, हाँ, हाँ आप कुछ बोले 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 आप बोल लीजिए। तो इसमें हुआ क्या है, देखिए लॉ क्या कहता है, अगर किसी व्यक्ति ने यह आरोप लगा दिया कि ये सामने वाले ने मुझ पर हमला किया या मेरे पर ये इस तरह का ऑफेंस किया है, किसी ने कंप्लेंट दिया है और उसमें एफआईआर रजिस्टर हो गया है, तो कई कई वकीलों को, मैं रिपीट कर रहा हूं, कई वकीलों को ये लॉ पता नहीं है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट नहीं लिया जाता है, आरोपियों का भी वर्जन क्या है, वो सच है झूठे वो वेरीफाई किया जाता है, और अगर आरोप मतलब कंप्लेंट के कंप्लेंट अगर झूठी निकली और उस गलत उद्देश्य से अगर केस फाइल की गई है तो कंप्लेंट देने वाला और उसको मतलब सपोज पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी अभी मैटर सी भी एक्वायर, तो पुलिस अधिकारी भी, उनके दोनों के खिलाफ में प्रोसिक्यूशन का सजा का प्रोविजन है 340 सीआरपीसी में, कंटेम्प्ट में वो लॉ है उसका, आईपीसी 211 192 193 ऐसे कई सेक्शन लगते हैं, उसके अलावा 219 भी लगता है अगर जज ने गलती किया तो, 166 लगता है, 167 लगता है, ऐसे कई सेक्शन है, ठीक है हम डिटेल में जाते नहीं है। अब इस केस का जोक देखिए, सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर होता है समीर वानखेड़े जी के खिलाफ, क्या कह के, शाहरुख खान उनकी सेक्रेटरी पूजा दादलानी और उनका बेटा आर्यन खान, इन तीनों की डील हुई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के साथ, उसमें समीर वानखेड़े जी को भी आरोपी बना दिया, इन लोगों ने क्या 22-25 करोड़ मांगा, फिर डील 17 करोड़ में फाइनल हुई और उसमें से एडवांस में 50 लाख रुपए लिए। ये केस रजिस्टर होती है तो उस पे सबसे पहला ऑब्जेक्शन हमने उठाया, हमने कहा अगर आपके आरोप सही है तो सबसे पहला आरोपी कौन रहेगा, शाहरुख खान, जिसने रिश्वत दी है, रिश्वत लेने वाला भी गुनहगार है, रिश्वत देने वाला भी गुनहगार है, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में स्पेशल प्रोविजन है कि अगर आपने दबाव में आकर भी रिश्वत दिए तो आपको 8 दिन के अंदर रिपोर्ट करना है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को, तो इन्होंने तो कोई रिपोर्टिंग की नहीं थी, तो अभी दो चीजें निकलती है इसमें, या तो अंदर में 8 दिन के अंदर में, अच्छा शायद वो 1 वीक है, जो भी सेक्शन 8 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में प्रोविजन ही है उसमें, नहीं करते तो उसमें एक 5 साल के आसपास का सजा का प्रावधान है शाहरुख खान के लिए सर। अब ये एक पार्ट हो गया, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, अच्छा क्यों नहीं था फिर, अगर एक सिंपल सवाल, अगर ऐसा केस है शाहरुख खान ने पैसा दिया है, सीबीआई एफआईआर रजिस्टर कर रही है और किसके किसके कंप्लेंट पे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह के कंप्लेंट, तो फिर शाहरुख खान को आरोपी क्यों नहीं बनाया और क्यों एफआईआर रजिस्टर किया गया था, इसका जवाब आपको उनके ही रिकॉर्ड्स पे मिल जाएगा। अभी देखिए बहुत शॉकिंग 2-4 खुलासे है और इसका इसका जो है ना इस केस का पूरा संबंध सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालन के केस से कैसा है, अभी सुनिए। देखिए आज दिल थाम करके इस शो को सब लोग बोलिए, और एक मैं बता रहा हूं, इसमें ये भी बातें सामने आई है, दीपिका पादुकोण से कुछ 100 करोड़ का बात किया किसने, जो क्राइम नंबर 15 ऑफ 2020 है ना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई का,
तो वो उसमें रिया चक्रवर्ती भी आरोपी है, उसमें दीपिका पादुकोण भी आरोपी है, रकुल प्रीत सिंह से लेके कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटी उसमें आरोपी है, उनको कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो क्यों नहीं हो पाई, इसका एक बहुत बड़ा खुलासा ऑन द बेसिस ऑफ सीबीआई का रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, उसको क्लीन चिट देने के लिए जो जिस बहुत ही बड़े जिम्मेदार अधिकारी ने सीबीआई में जो सबमिट किया है अपना वर्जन, उसमें क्या लिखा है कि दीपिका पादुकोण को क्लीन चिट देने के लिए डील तो बड़े का हुआ था, लेकिन जो डिलीवरी दिया गया 25 करोड़ रुपया कैश ज्ञानेश्वर सिंह को किसके थ्रू दिया गया, मिस्टर अजय नावंदर इनके थ्रू दिया गया उसके घर पे जुहू में। और जो मुझे अजय नावंदर है वो आपको जो मैंने भेजा है, अजय नावंदर ये दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का उसको एड बताया गया, एसोसिएट बताया गया, 34,000 करोड़ के डीएचएफएल फ्रॉड केस में आरोपी है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।